दो चार लाख रुपए का चुकना है, चुक मिलने को। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। रात के 1 बजे व्लॉग शुरू हो रहा है, और शुरू हो रहा है कू के घर से, हमारी प्यारी कैटू के घर से। कैटू का घर हो गया, यहाँ हमारी कैटू अपनी नानी के साथ। भूख लगी है इसलिए दूध मांग रही है भाई। हाँ तो आप रात को 1 बजे क्यों आए, अपनी दास्तान बताएं, अपनी जबानी दास्तान क्या बताएं। दीदी के ब्लॉग में कल पता चल ही जाएगा सबको, है ना। आए इसलिए क्योंकि सारा दिन फुर्सत नहीं मिली और बीमार थी ना, हॉस्पिटल भी नहीं जा पाया, बाकी पूरे घर के लोग तो चले जा चुके। मैंने कहा कि भाई जब भी टाइम मिल जाए, क्योंकि हमें पता है कि हमारे घर रुकी थी तो सुबह कभी 4 बजे कभी 5 बजे सोना होता था, तो मुझे पता था कि भाई सोना तो यानी। मैंने दीदी से पूछा, दीदी जगी हुई है पूरी रात, जगती है ये। हम यहाँ पे आ गए, दिखाओ दिखाओ जना बाबू, ऐसे ही मामा की गोदी में है, ये दोनों मामा भी आए हैं, ये भी आए हैं, मामा लोग आए हैं। ओ भूख लगी है, हाँ हाँ उसको टाइम हो गया है हमारी कुहू का, सब कुछ रख के आ जाओ। हम देखने आए हैं कि कुहू ठीक हुई है कि नहीं हुई है, कुहू का ध्यान रख रहे कि नहीं रख रहे। कोई नहीं रखता, कोई नहीं रखता। कल आया था मैं और आज जा रहा हूँ, मैं आज वापस यहाँ से जा रहा हूँ, यानी पूरा मैं यहाँ पे चले गए थे। आज और आज अब दोबारा यहाँ से जा रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं दोबारा से अच्छा सबको दिखाऊंगा कल ना, जब ये ब्लॉग हम एंड करेंगे सबको दिखाऊंगा। वहाँ पे काम चल रहा है टाइल्स वगैरह लगाने का, और बहुत सारी थोड़ा कुछ हमने रेलिंग वगैरह स्ट्रेंथन कराया है, बहुत सारा काम चल रहा है, तो इसलिए मैं लेट हुआ हूँ। बल्ली वल्ली लगना शुरू हो गया था, तो अब काम हुआ है ऊपर से लेके नीचे तक, है ना। तो अब हम यहाँ से निकल रहे हैं, मम्मी को भी रहा नहीं जाता और मम्मी भी आ जाती है। सच में चलिए मिलते हैं आप। हेलो एवरीवन, राधे राधे। हेलो, कैसे हैं आप सभी। और देखिए हम हैं यहाँ इस नॉटी गर्ल को चुप करा रहे हैं हम। ये मैडम पूरे दिन यही काम करवाती है भाई, हमारी शुभी ऐसे चुप होती है, देख लीजिए गाइस। बड़ी माँ को पूरे कमरे में डांस करना पड़ता है ना, तब शुभी चुप होती है। जल्दी से जल्दी से चुप नहीं होती है। तो गाइस हमारे जो ब्लॉग्स हैं वो आ रहे हैं बिल्कुल ब्रेक लग के आ रहे हैं, उसका रीजन है कि ये ठंड का टाइम है, दिन बहुत छोटा हो चुका है, कहाँ चला जाता है पता ही नहीं चलता है। और बिजीनेस की सबसे बड़ी वजह है हमारी प्यारी शोभी। ऐसा नहीं है कि सारा दिन हम इसी में लगे रहते हैं, हमारी बच्ची सोती भी रहती है, लेकिन फिर भी एक होता है ना, एक नन्हा मेहमान जो है पूरे घर को घुमाता है, पूरे घर इसके साथ खेलू खेलू करते हैं। अभी ये रोने के मूड में है, तो मैं गाने गा के देखो अभी रोने। इसका फेवरेट है, ये ऐसे ही चुप होती है, ऐसे ही चुप होती है। और ठंड बहुत है गाइस, तो आप लोग क्या क्या कर रहे हैं ठंड में। और हम लोग तो कुछ भी ऐसा खास नहीं कर रहे हैं, है ना। अभी मम्मी पापा वहाँ पे सभी जने खाना खा रहे हैं, मैं आप सभी उनसे भी मिलवाती हूँ। बच्चे आके जो है एक सो गए हैं, एक मेरे साथ हैं, और चाची इनकी शुभी की मम्मी क्या कर रही है बताओ। रोटी बना रही है। जाओ सबसे मिलवा दो, तब तक हम शुभी को और अच्छे से चुप कराते हैं, फिर मिलवाएंगे। बहुत देर से आज खाना खा रहे हैं हम लोग, और आज ही इसको एडिट करके डाल दूंगा फटाफट, है ना। लेट हो गया खाना, लेट हो गया बाबा को दुकान पे, पापा को भी लेट हो गया, लेट से खाना खा रहे हैं लोग। रोटी ले आओ, रोटी गरम गरम रोटी बाबा खाते हैं, चाची बना रही है, बाबा खा रहे हैं।
पापा की थाली में देखो अखन तो हम दो देसी अगला सर्दी पोती खुआते रोटी अगली ठंडी जब हमारी शुभी चलने लगेगी तो गुटर गुटर करके आएगी रोटी बाबा को खिलाने है ना है ना शुभी भूसी भी है यहाँ पे एकदम ऐसी है अरे रो रही थी बहुत ज्यादा चुप कराया बड़ी मुश्किल से और यहाँ आया एक नया प्यारा सा बड़ा सा गमला हमारे घर बड़े मामा की पसंद क्या हुआ है ना कि दीदी ने सारे गमले दान कर दिए दो गमले मैं भी ले आया हूँ और ऊपर हमारे मित्र रहते हैं उनको भी चार पांच गमले दिला दिए हैं तो उनको बहुत बागवानी ऊपर हमारे जो रहते हैं ना एक आधा छत पे तो घर बना लिया अनाधे छत पे वो सब खाली बागवानी करते हैं बहुत ज्यादा बहुत शौक है उन्हें हमरा सबके तो जगह बेसी नहीं छे जते छे तते करे छे भगवान चाहथिन त हेते कोनो जमीन इंडिपेंडेंट टाइम में करबे ग्रेटर नोएडा में तो छै लेकिन अब जा नहीं सके छे जत नहीं तत तत जगह नहीं छे बालकनी में 15 गमला अब अगर कांच चले छे गमलो सब के हालत में बेकार 2-4 मिनट में सो गए सो गए रोटी ला रही तो ये मैडम 10 मिनट सोती हैं, फिर उठती हैं, फिर रोती हैं, फिर 10 मिनट सोती हैं, फिर उठेंगी फिर सबको अटेंशन देंगी मैं सो गई इसका क्या मतलब है मतलब क्या है कि मतलब मैं यहाँ नहीं हूँ अभी रुको बताती हूँ ये देखो मम्मी को बिजी करेंगी चाची से मिलवाओ हेलो बस हो गया हेलो हेलो गाइस कैसे हैं आप सभी है ना इतना ही बोलना है हालत तो देख ही रहे हैं मम्मी की नहीं कमरा तो बिल्कुल सही है भाई कमरा कहीं नहीं फैला हुआ है कमरा को अच्छा साफ सुथरा रखती है दिन में 3-4 कमरे को समेटना पड़ता है बच्चे का कमरा है भाई ऐसे ही रहेगा फिर भी बहुत समेट के रखती है भाई अभी अभी गोदी में ये नींद खींच रही थी इस कमरे उस कमरे में घूम रही थी अरे मजे से यहाँ पे जो है ना गर्दन टिका के सो जाती है देखिए नीचे रखने के बाद क्या हाल होता है इनका ये देखो पहली बात तो इन्हें ठंड नहीं लगती इन्हें जबरदस्ती कंबल उड़ाया जाता है हाँ सबको आज पता चल जाएगा कि शुभी जो है कितनी नॉटी गर्ल हो गई है हैं देखो देखो वो कह रही है मम्मा आप फ्री नहीं रह सकती आप फ्री देखो उड़ गई उठनी बच मछली ओ बबली ओ नोई 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 मम्मा आओ मम्मा आओ देखो 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 गोदी में आते नींद खींचने लगने बड़ी मम्मी ने देखो लिपस्टिक लगा दी अरे ये तो सारे दिन का काम है लिपस्टिक तो ये चल रहा है हमारी लाइफ में गाइस ये चल रहा है हम जैसे थोड़ा सा फ्री होते हैं सोचते हैं चलो दोनों सोचते हैं कि चलो व्लॉगिंग करते हैं कुछ करते हैं और मेरी बाबू जग जाती तो वैसे ही बाबू जग जाती है मैडम सारा दिन इनका यही चलता है मम्मी मम्मी और बाबू की फोटो ले लो सुंदर सुंदर फोटो ले लो अभी आँख खोल के देख रही है अरे बाप रे मम्मा की गोदी बच्चे कितनी जल्दी पहचानने लगते हैं कोई कितना भी रखे कुछ करे माँ की गोदी की अलग ही खुशबू होती है एक है ना जब आप लोग छोटे थे तो इस बात का प्रमाण है देखो आते चुप हो गए हाँ वही तो प्रमाण वही कह रही हूँ ना वही देख के तो बोली हूँ कि माँ की गोदी की खुशबू ही अलग होती है एक एहसास ही अलग होता है बच्चा एकदम कंफर्टेबल जोन में आ जाता है रोते रोते इतना परेशान कर दिया कि मम्मी उनकी रोटी बना के चली गई एकदम उठ के जाना पड़ा पापा रोटी खा रहे थे मैंने कहा थोड़ा गैस वैस साफ कर लेते हैं और उसके बाद पापा जो लाए वो मैं आप सभी को दिखाती हूँ हैंड वॉश करके मैं दिखाती हूँ कि क्या आया है और आप सभी भी बताइए भाई ठंड में क्या क्या खा पी रहे हैं क्या कर रहे हैं हमने मंगाई है मूँगफलियाँ एक्चुअली 3-4 दिन से मैं सोच रही थी ठंड आ गई है और जो है अच्छी सी कोई मूवी लगा के लैपटॉप पे या मोबाइल पे और जो है मूँगफली खाई जाए मन आनंद लिया जाए ठंड का एक ये आया है आज मेरे डिमांड पे जो मैंने मंगाया और खाएंगे हम सब मिलकर तो इसीलिए मैंने पापा को बोला थोड़ी सी मूँगफली लाना तो पापा लाए इतनी सारी टेंटिंग तो मैं यहाँ फोटोज खिंचवा रही थी गाइस है ना तो डिमांड पे ये शायद गजक भी लाए हैं साथ में है ना सप्लीमेंट्री जो बोलते हैं ना मूंगफली के साथ गजक फ्री 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 ओ माय गॉड ये आई है देखिए कितनी बड़ी बड़ी गजकें और ये अभी सबको दी जाएंगी ओ
कोई बात नहीं, इसको हटा देंगे, पकता है ना सर, तो कहीं कहीं से मूंगफली बिल्कुल डार्क हो जाती है, तो शायद वही। तो थैंक यू बाबा को थैंक यू है बहुत सारा। वेलकम। जाने बैठ के थोड़ी थोड़ी मूंगफली खाएंगे बाबा, अभी भी खाएंगे बाबा, विश्राम करेंगे और बाबा वैसे भी नहीं खाएंगे, बाबा को पूरी सर्दी खांसी परेशान करती है ना, और बाहर का मौसम तो बस पूछिए मत, इतनी हवा है कि बस वहाँ रुकना बहुत मुश्किल है। कल रात में कितनी तेज हवा चल रही थी, बहुत ज्यादा। तो हम तो ले रहे हैं मूंगफलियों का आनंद, आप सभी भी अपनी अपनी ठंड को बिल्कुल एंटरटेन करके रखिए, खूब बनाइए खाइए, बाहर से मंगवाइए तो भी खाइए, घर में बनाइए तो भी खाइए, क्योंकि ठंड में जो है खाना डाइजेस्ट होता है, और ठंड में खूब बनाने में भी जो बनाने वाले होते हैं उनको भी परेशानी नहीं होती है, और खाने वालों को भी नहीं होती है ना, और ठंड होती है खाने खिलाने के लिए, क्यों क्यों भाई, अभी तो अब न्यू ईयर आने वाला है, अभी क्रिसमस आने वाला है, बच्चे जो है अभी हर स्कूल में वो क्रिसमस को लेके बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, मेरे बच्चों ने भी क्राफ्ट किया था, केशव ने जो है ना वो स्कूल में ही जो है जो कप होते हैं प्लास्टिक वाले उससे बनाया था सेंटा क्लॉज, बहुत प्यारा, मेरे पास पिक है, मैं इस ब्लॉग में पिक जरूर शेयर करूंगी। और कार्तिक ने क्या किया था वो तो आप सभी देख चुके हैं और अप्रिशिएट भी किया है, पर एक बात है कि आप सभी बिल्कुल भी फैमिली को बढ़ा नहीं रहे हैं, ब्लॉग या तो हम रेगुलर डाल नहीं रहे हैं इस वजह से, या फिर अब आप लोग जो है वो अब हमें देख के अब थक चुके हैं, हमारा ब्लॉग तो चल रहा है बस राम भरोसे चल रहा है, तो आप लोगों के भरोसे चलना चाहिए, वो नहीं हो रहा है, तो उस पर प्लीज थोड़ा सा ध्यान दीजिए, हमारी मेहनत हमारे प्यार को जो है सिर्फ थोड़ा ऐसे फीका मत पड़ने दीजिए, बढ़ाइए जैसे पहले बढ़ाया करते थे वैसे ही। तो जल्दी से चैनल को इसी बात पे शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए अगर नहीं किया है तो, है ना, और वीडियोस को लाइक करिए और रील्स जाके देखिए वहाँ पे अनिता ठाकुर 1032 पे, और द रियल अवनीश द भाई मेरे को अपने चैनल का नाम याद है ना, बस हो गया बहुत है, है ना, तो हमारे चैनल्स पे जाके देखिए, वहाँ पे भी हमें फॉलो कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, इस छोटे से ब्लॉग को यहीं पे एंड कर देती हूँ, बाय बाय, राधे राधे।